जिला अस्पताल में चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। अस्पताल के वार्डों में सीसीटीवी कैमरा ना होने के कारण चोर दिन दहाड़े मोबाइल चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस भी चोरों को पकड़ने में नाकाम साबित हुई है। डिंडौरी जिला अस्पताल में लंबे समय से मोबाइल चोरों का आतंक बढ़ा हुआ है। अनेकों बार मोबाइल चोरी की घटनाओं के घटित होने से पीड़ितों ने शिकायतें दर्ज कराई थी, लेकिन अभी तक जिला अस्पताल से मोबाइल चोरी की घटनाओं में अंकुश नहीं लग सका और चोर बिना भय चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अस्पताल में अपना इलाज करवाने आए गुलाब सिंह ने बताया कि मुझे मेल वार्ड में भर्ती किया गया था, मेरे सिर के पास मोबाइल रखा हुआ था जिसे अज्ञात चोर ने चोरी कर लिया। मैं पहले से ही अपनी बीमारी को लेकर वैसे ही परेशान हूँ और मोबाइल चोरी हो गया। अब मैं परिवार के लोगों से संपर्क भी नहीं कर पा रहा। मोबाइल चोरी, हमारा मोबाइल चोरी हो गया NRC से। ये लगभग मेरी वाइफ बता रहा है कि 11 बजे तकरीबन, तो 11 बजे तक मोबाइल रही अपने पास। बात करने के बाद सिराने में रखी सर जी, देने के लिए जा रहा हूँ। वहीं रक्तदान परिवार संचालक अतुल जैन ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को जो फंड मिला है उस फंड से हर वार्ड में कैमरे लगवाना चाहिए। आज अगर वार्ड में कैमरे लगे होते तो लोगों के मोबाइल चोरी नहीं होते, लेकिन ये स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही है जिसका भुगतान मरीजों और उनके परिजनों को भुगतना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग को तत्काल चोरी के मामलों पर संज्ञान लेते हुए CCTV कैमरा लगवाने चाहिए। परिजनों के इलाज कराने आते हैं यहाँ पे, एक तो वो वैसे ही पहले से दुखी होते हैं और दूसरे पूरे स्वास्थ्य विभाग की पूरे ये गलत चीज़ें हैं कि स्वास्थ्य विभागों को जो फंड मिला है कैमरे का, हर कम वार्ड में कैमरा, आज कैमरा होता तो चोर पकड़ा जाता जिसका मोबाइल चोरी हुआ है। एक तो वैसे ही परेशान व्यक्ति यहाँ पे हॉस्पिटल पे आता है और दूसरा मोबाइल चोरी होना एक बहुत दुख भरी घटना हो जाती है कि वो अब कॉन्टेक्ट किससे करेगा भाई, किसी को उसको बुलवाना होगा, अपने परिजनों को तो वो नहीं बुलवा सकता फिर। और ये जो भी लापरवाही हैं, ये स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी जो बैठे हैं उनकी लापरवाही के कारण आज चोरों के हौसले बुलंद है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।